एक तरफ गर्मी से लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ बोकारो के चास नगर निगम के रहने वाले लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यह समस्या कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन पानी की समस्या को लेकर वार्ड पार्षद कांग्रेस नेता श्वेता सिंह के नेतृत्व में चास नगर निगम के अधिकारी के पास पहुंचकर पानी की गुहार भी लगाई है, साथ ही ज्ञापन सौंप कर पानी की समस्या को लेकर अधिकारी को अवगत भी कराया। तो वहीं नगर निगम के अधिकारी ने भी माना है कि पानी की समस्या हो रही है और इसके लिए टैंकर भेजकर समाधान भी किया जा रहा है। हालांकि 30 जून तक सही ढंग से पानी पहुंचाने का भरोसा सभी दिया है गया, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या 30 जून तक उनकी समस्या जो पानी की समस्या है उसे पूरी तरीके से निजात दिला पाते हैं अधिकारी या फिर नहीं। इस समस्या के कई स्तर हैं। एक तो इनहेरेंटली जो पानी जो ग्राउंड वाटर है वो कम हुआ हुआ है, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम लोग ग्राउंड वाटर रिजुवेनेशन और रिचार्ज करें, और एट द सेम टाइम बीच में जो यहाँ पे जो फेज वन का जो वाटर सप्लाई था उसका मोटर जला था तो वो भी अब रिकवर हो गया है, और पानी का जो पानी की सप्लाई है वो जो फेज़ वन में जो हाउस होल्ड थे जो घर थे वहाँ पे सप्लाई वापस शुरू हो चुका है। हमारे कॉलोनी में पानी की बहुत समस्या है, ये जो बोरिंग था वो भी खराब हो गया है या तो सूख गया है पता नहीं, लेकिन जो टैंकर आता था वो भी एक सप्ताह में एक दिन जैसे आया है, मंडे को आया अभी आया नहीं। पास में पानी की समस्या को लेकर के हम सारे लोग यहाँ निगम ऑफिस आए थे, नगर आयुक्त 2 दिन से बाहर थे, नहीं तो हम लोग पहले ही इनके पास आते बात हो गई थी, आज ही वापस आए हैं तो आज हम लोग सब लोग इनसे आकर के मिले हैं और बात इनसे हुई, सबने अपनी अपनी बातों को रखा अपने। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव देखिए, एक तरफ प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ चास नगर के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन आश्वासन के बाद भी उन्हें समस्या से निजात नहीं मिला। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल कहना सही है कि अभी तो गर्मी जैसा पड़ रहा है वो सब लोग देख रहे हैं, और इस गर्मी के मतलब ऐसे प्रचंड गर्मी में भी लोगों को पानी की समस्या हो रही है। चास नगर निगम के रहने वाली जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पानी की काफी समस्या है। हालांकि सप्ताह में एक दिन टैंकर भेजा जाता है नगर निगम के द्वारा, जो कि नाकाफी है, और इससे काफी समस्या हो रही है, जिससे उत्तेजित होकर वहां के जो लोग हैं वो कांग्रेस नेत्री श्वेता सिंह के नेतृत्व में आज चास नगर निगम पहुंचे। वहां पर उन लोगों ने जा करके जो नगर आयुक्त है भुवानिया जी उनसे बात की, और उनको ये आश्वासन मिला है कि उनकी समस्या को जल्द ही दूर किया जाएगा, और नगर निगम ने भी माना है कि हाँ चास नगर निगम में जो लोग हैं उनको पानी की समस्या हो रही है। जी अंकिता जी संजीव, देखिए अगर आपने बात कही कि वहां के नगर निगम ने जो अधिकारी हैं उन्होंने भी ये माना है कि पानी की समस्या, और साफ तौर पर वहां के लोगों का भी कहना है कि ये कोई नई समस्या नहीं, काफी बार उन्होंने आश्वासन भी मिला है उनको अधिकारियों की ओर से, जल्द ही समस्या का निजात मिला। हालांकि टैंकर भेजकर जरूर पानी की समस्या थोड़ी राहत जरूर उन्हें दी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, क्या एक टैंकर से इनके समाधान हो पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल एक टैंकर से तो समाधान होना एकदम नामुमकिन है, और ये ज्यादातर समस्या फेज वन के लोगों को हो रही है। हालांकि वहां पे मोटर भी लगा हुआ है लेकिन जो खराब है, और नगर निगम ने बोला है कि उसको जल्दी दुरुस्त करके इस समस्या को दूर किया जाएगा। जी संजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि एक तरफ गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ लोग गर्मी से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बोकारो के चास नगर निगम के रहने वाले लोग पानी की समस्या झेल रहे हैं। यह समस्या कोई नई समस्या नहीं, हालांकि नगर निगम के अधिकारी ने आश्वासन भी दिया है कि उनकी समस्या से जल्द निजात दिलाया जाएगा। तो फिलहाल पांच के पंच में इतना ही, बने रहेगा।